आज हम आपको लेकर आए हैं महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास बसे एक खूबसूरत हिल स्टेशन पंचगनी में, जो कि प्रकृति प्रेमियों और रोमांच चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान है। यह छोटा सा शहर घाटी, हरे भरे जंगलों और इनके बीच बहने वाली खूबसूरत कृष्णा नदी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। अब हम आए हैं आपको सैर कराने मेप्रो गार्डन का, उसमें ये खाकरा फैक्ट्री है। ये डिस्प्ले देखिए आप, कैसे खाकरा बनता है, कटिंग वगैरह का स्टेशन पूरा दिखा रखा है आपने यहाँ पर। और ये आउटलेट भी है, एक सेंटर है यहाँ पर, अगर आप कुछ परचेज करना चाहे तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट और सेल आउटलेट्स है यहाँ का मेप्रो का। ये मेप्रो गार्डन में आप घूम सकते हैं। पंचगनी में मेप्रो गार्डन एक फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि अपने स्ट्रॉबेरी प्रोडक्शन और डिलीशियस फ्रूट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। स्ट्रॉबेरी क्रीम शेक यहाँ की एक मस्ट ट्राई डेजर्ट है। यहाँ आप खाकरा फैक्ट्री और जैम फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ पर, ये प्लांट्स। अरे दूर दूर तक देखिए, यहाँ पे फार्म सारे दूर दूर तक काफी है, फार्म है स्ट्रॉबेरी के सारे। ये मेप्रो आउटलेट, यहाँ से आप कुछ खरीदना चाहे तो मेप्रो प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं यहाँ से। ये बाहर ये देखिए स्ट्रॉबेरी के स्टोर्स वगैरह लगे हुए हैं, आप यहाँ से फ्रेश स्ट्रॉबेरी खरीद सकते हैं। अब हम आपको लेकर आए हैं पारसी पॉइंट। ये भी पंचगनी का एक व्यू पॉइंट है, जहाँ से आप सुंदर व्यू देख सकते हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स वगैरह खाना पीना चाहे तो आप कुछ यहाँ पर। ये है पारसी पॉइंट, जो कि फेमस है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए। ये सामने यहाँ से देखिए कृष्णा रिवर, धूम डैम। ये फोग है इस समय, आपको नजर नहीं आ रहा होगा, काफी फोगी है व्यू। एंजॉय द व्यू, खाना खाइए, रेस्ट कीजिए थोड़ी देर और फिर चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हम आपको लेकर आए हैं टेबल लैंड। ये बताया जाता है कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट प्लेट्यू है। और यहाँ से आप व्यू देखिए, सामने नीचे आपको दिखाते हैं। फोग है, आपको पूरा इस समय नज़र नहीं आएगा अच्छी तरह, बाकी क्लियर होने पे यहाँ से दूर दूर के ब्यूटीफुल व्यू देख सकते हैं आप। प्रोडक्शन वहाँ पे ज़्यादा होता है। अच्छा, फ्रूट स्ट्रॉबेरी मलबेरी वहाँ से दिख रहा है। जो सामने गाँव दिख रहा है ना, वो किताबों का गाँव करके फेमस है, बिलार गाँव। वहाँ पे आपको घर घर में लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, और ये आते से आपको राइट साइड में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल है ना, टर्निंग में आपने पहला वाला गदर पिक्चर देखा रहेगा ना, आशा पटेल का जो सकीना का जो कॉलेज बताया, हाँ कॉलेज, वो उधर का शूटिंग। ये पूरा गर्ल्स हॉस्टल है। ये सामने नीचे किस चीज का, हॉर्स राइडिंग एंजॉय कीजिए आप यहाँ पे। एक ये बग्गी भी है, आप इसमें बैठ करके यहाँ घूम सकते हैं, जिसके चार्जेज अलग अलग बताए जाते हैं। ये आपको पॉइंट्स वगैरह जो है यहाँ पे दिखाएंगे सारे। तो हमने ये बग्गी करी है पूरा, जो कि है टेबल लैंड घूमने के लिए। पॉइंट्स वगैरह दिखाएंगे आपको, तो दिखाएंगे हम आपको पॉइंट्स वगैरह, कौन कौन से पॉइंट्स लेके जा रहे हैं। हॉर्स कार्ट टूर में आपको 5-6 पॉइंट्स दिखाए जाएंगे, जिनमें से मेन है पांडवों के फुटप्रिंट्स, जो कि बताए जाते हैं कि ओरिजिनल है। फोटोग्राफी होता है, हवा में जब बादल में बैठे, आसमान में बैठे, मैडम ने आपको हवा में उठाया या भाई ने उसको हवा में उठाया, वैसा ठीक फोटोग्राफी भी यहाँ पर होती है। टेबल लैंड पर आप ट्रिक फोटोग्राफी जरूर खिंचवाइए, आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा
को बाजीराव मस्तानी पिक्चर वाला डैम पालन खेत गाँव उधर का दिखाया है जो राजेंद्र हाँ पांडवों के भगवान है तो मस्तर ये लोग मानते हैं तो मानना पड़ता है कोई पत्थर क्या एक मिनट अरे यार पांडव के पेड़ गुरु खड़े पत्थर के अंदर अच्छा लोग मानते हैं इसीलिए मानना पड़ता है ठीक अरे पास वाओ क्या व्यू आ रहा है देखो देखो उधर के दोनों का संगम झंडा लगाया झंडा क्यों भूपा है अगर ये भूपा में जाने करेंगे तो फिर हम लोग का ड्रॉप रहता है राउंड खत्म हो जाएगा सामने सावित्री और कृष्णा रिवर का कन्फ्लुएंस है संगम है इस समय बहुत बोरियत हो सकता है आपको अच्छी तरह नजर ना आए इस सामने देखिए ये और ये सामने जो झंडा देख रहे हैं आप यहाँ से नीचे पांडवों की गुफा बताते हैं नीचे आपको स्टेयर से नीचे उतरना पड़ेगा 50 स्टेयर नीचे उतर करके नीचे गुफा तक जाना पड़ेगा। टेबल लैंड के लास्ट में एक केव है जिसे लायंस केव और पांडवा केव के नाम से जाना जाता है। यहाँ डैन डाइन नाम से एक रेस्टोरेंट है। ये नीचे केव्स में जाने का रास्ता है यहाँ से ये स्टेयर्स वगैरह है। नीचे उतरकर केव के एंट्रेंस पर ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। यहाँ आप लकड़ी से बने स्टूल्स पर बैठकर मैगी चाय आदि का आनंद ले सकते हैं। फ्लैश जला ले। गुफा में काफी अंधेरा है और आपको लाइट की जरूरत पड़ेगी। थोड़ा आगे जाने पर आपको कुछ भगवान की मूर्तियां नजर आएंगी। और ये हम एग्जिट पर पहुंच गए। अबे ये एग्जिट आ गया वापस।